चलिए देखते हैं ये विपुल भाई की तरकीब कैसे चली। उन्होंने पान का गुलाम चुना और फिर अपना पत्ता खुद ढूंढ के निकाल दिया। हम इस तरकीब में देखेंगे ये कैसे हुई, और इनफैक्ट इसमें अगर हम विपुल बोले तो भी ये गतिविधि काम करेगी। देखिए कैसे हमने इस तरकीब में अब दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए एक पत्ता अलग तरीके का रख दिया है, और हम यही गड्डी को मानकर चलेंगे ताकि आपको ये दिखता रहे कि ये पत्ता कहाँ पर पहुँच रहा है हर बार जब हम गिनती गिनते हैं। तो ये पहली गड्डी है हमारी, ये दूसरी गड्डी है, और ये तीसरी गड्डी है, और ये वाली गड्डी हम चुन लेंगे। तो इसका सबसे नीचे का पत्ता ये जोकर है, और ये अलग तरीके का है, और ये हमने ऐसे रखा। ध्यान रखिए ये सबसे ऊपर रखना है, और फिर ऐसे रखा। ऐसा करने के बाद अब ये पत्ता ऊपर से तीसरे नंबर पर अपने आप आ गया है, और फिर हम गिनते हैं पान का गुलाम। तो PAAN, और उसके बाद हम ये ऊपर से डालते हैं। तो देखिए अभी ये नीचे से तीसरा पत्ता हो गया है। तो पान की जगह अगर हम हुकम करते HUKAM, या ईट EENT, या चिड़ी CHIDI, तो कोई भी अक्षर अगर तीन से ज्यादा का होगा तो ये पत्ता हमेशा तीसरे नंबर पर ही आएगा। और उसके बाद हमने क्या बोला, की या का, KI, और फिर ये ऊपर डाल दिया। अब देखिए क्या हुआ, ये पत्ता नीचे से पांचवां पहुंच गया है, इसका मतलब ऊपर से भी पांचवां ही होगा। और अब अगर हम तीसरा जो गिनेंगे, इक्का दुग्गी दिग्गी चौगी पंजी छगी, इसको हमें पांच अक्षर का कम से कम बनाना है। तो सारे ही अक्षर लगभग पांच के होते हैं, अगर इक्के में अगर आपको थोड़ा सा कष्ट हो तो उसमें IKAA ऐसे गिन सकते हैं, पांच IKKAA। तो इस केस में हमारा गुलाम है, तो हमने क्या करा, GULAM, तो पांच नीचे चले गए। अब अगर हम इसके ऊपर डालेंगे तो ये फिर से पांच ही रहा, पांचवा ही पत्ता रहा। या फिर अगर हम गुलाम की जगह बादशाह कर देते BADSHAAH, तो भी हम देखेंगे कि ये पांचवा ही रहा। पांच ये पांच से ज़्यादा तक अगर हम गिनेंगे आखिरी, तो ये पांचवा पत्ता ही रहता है। और अब हमने क्या करा, इसको किसी भी तीन गड्डियों में, ढेरों में बना दिया। हमें पता है कि ये इसी गड्डी में होगा, तो विपुल भाई अगर ये वाला चुनेंगे तो हम इसको हटा देंगे, ये चुनेंगे तो इसको भी हटा देंगे, ताकि जो गड्डी में हमें पता है वो हमारे पास ही रहे। विपुल भाई ने अगर ये गड्डी चुनी तो इनको हटा दिया, अब हमें पता है ये कौन सा पत्ता है। अगर उन्होंने ये चुना तो इसको हटा देंगे, ये चुना तो इसको हटा देंगे, और आखिरी पत्ता आपका गुलामी बचेगा। एक और तरीके से हम कर सकते थे, क्योंकि ये पांचवा पत्ता था तो हमने इसको रख दिया। अब हम इसमें विपुल भाई की तरकीब में विपुल भी गिन सकते थे, VIPUN। तो ये थी विपुल भाई की जादुई गणित।